गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कैसे काम करता है, इसको हम रिप्रेसिबल बोलते हैं। तो क्यों बोल रहे हैं हम इसको रिप्रेसिबल? हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर जीन स्टार्टिंग में ऑन होती है एंड देन बाद में ऑफ हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिप्रेसिबल। यहाँ पर हमने देखा था कि आपका जो ट्रिप ऑपेरॉन है इसके अंदर एक तरह से ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए को रिप्रेसर, ठीक है। एंड जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या करती है, ट्रिप्टोफैन से बाइंड करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन एंड देन वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आगे का लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे का लेक्चर हमें जो कवर करना है इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि अगर मीडियम के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन देखने को मिले तो क्या होगा। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन होगा तो क्या होगा, एक बार आगे पढ़ाने से पहले मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, मैं अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने देखा था ये हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन था। ट्रिप ऑपेरॉन हमने देखा था कि रिप्रेसिबल था। ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन है यहाँ पर ट्रिप ए बी सी डी ई एल, ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल जीन हो गए, ट्रिप्टोफैन का रिप्रेसर है। यहाँ पे हमने देखा था कि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा एंड देन यहाँ पे ट्रांसलेशन होने के बाद में इनका हम यहाँ पे क्या बना के जाएंगे, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि पाइरूविक एसिड है, पाइरूविक एसिड से हम कोलाजमिक एसिड बनाएंगे एंड देन ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेंगे। एंड देन हमने देखा था यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की जो जीन्स होती है, लाइक स्ट्रक्चरल जीन है ट्रिप ए बी सी डी ई, ये क्या बना के जा रहे हैं, इनका एंजाइम, इनसे क्या एंजाइम फॉर्मेशन होंगे वो हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। एंड देन हमने देखा था कि ट्रिप एल होता है, ट्रिप एल जो स्ट्रक्चरल जीन है वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं, रीजन 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि यही आज हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसको रिवाइज करने से बेटर है ना कि मैं आपको पहले वाला बता दूं, और अगर किसी ने अगर पहले वाला लेक्चर डिटेल में नहीं लिया है तो पहले वो लेक्चर कंप्लीट करें अपना, ठीक है। तो ट्रिप एल के पास क्या होते हैं, रीजन होते हैं, चार रीजन होते हैं, ठीक है। ट्रिप वन के पास लाइक यूरिच हो गया, रीजन टू इज ए रिच, देन रीजन थ्री इज यूरिच एंड रीजन फोर इज ए रिच। लाइक हम देखें तो ये एक दूसरे की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री का एक तरह से हम बोलते हैं एटीन्यूएटर, इनको हम बोलते हैं एक तरह से क्या, एटीन्यूएटर, ये एक तरह से क्या होते हैं, एटीन्यूएटर होते हैं। आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज एटीन्यूएटर एंड व्हाट इज एटीन्यूएशन, ठीक है। तो एटीन्यूएटर आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं। लाइक हमने देखा था कि रीजन वन एंड टू आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, टू एंड थ्री भी है एंड थ्री एंड फोर है, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में वन एंड टू आपस में पेयरिंग करेंगे एंड थ्री एंड फोर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। रीजन वन के अंदर 10 एंड 11 कोडोन के ऊपर ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है सो कोड करना है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का कोडोन है एंड देन लाइक UGG सीक्वेंस है। तो ट्रिप एल इज 161 या अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 142-161 न्यूक्लियोटाइड के होता है। रीजन वन अगर अपन देखें, ठीक है, ट्रिप एल मतलब लीडर सीक्वेंस एक तरह से 161 न्यूक्लियोटाइड की है एंड रीजन वन इज 14 अमाइनो एसिड, ओके। सो हमने यहाँ पे टोनर पढ़ा था, ट्रिप ऑपेरॉन नेगेटिव रिप्रेसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। As we know that, repressor protein क्या है, inactive condition में है, आपको repressor बोलेंगे, so they cannot able to bind at operator region, तो ये bind नहीं करेगा, तो RNA polymerase structural gene के promoter पे bind करेगा and then tryptophan का formation करेगा। तो gene यहाँ पे क्या है, on है, but बाद में हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो tryptophan होता है, हम बाद में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो tryptophan है अगर present है तो tryptophan bind करेगा upper repressor के साथ में, because tryptophan वर्क एज ए को रिप्रेसर, सो दे बाइंड इट अपर रिप्रेसर और क्या करेगा, अपर रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करेगा एंड देन ये बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन से। सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड एट स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर, सो जीन इज नॉट ट्रांसक्राइब और नॉट ट्रांसलेटेड, ओके। आज हमें पढ़ना है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, ओके। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन का हम देख लेते हैं डिटेल के अंदर एंड हम इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज एटीन्यूएशन, व्हाट इज एंटी टर्मिनेशन। तो आज हम एटीन्यूएशन वाला पार्ट हम करने वाले हैं कि हायर कंसंट्रेशन में क्या होता है। तो जैसे कि हमने पहले बनाया था लाइक वैसे ही हम क्या देख रहे हैं, हम बना देते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये डीएनए है, एक मिनट, यहाँ पे हमने बना दिया है क्या डीएनए एंड डीएनए पे हमें पता है यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर प्रमोटर होगा, ठीक है, ऑपरेटर होगा एंड देन यहाँ पर ट्रिप एल, ट्रिप एल मतलब रीजन वन
रीजन टू, रीजन थ्री, रीजन फोर। ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ट्रिप एल है। एंड देन यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमने यहाँ पे लेक्चर में देखा था यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिप ए, ट्रिप ए प्रेजेंट होगा, ट्रिप बी प्रेजेंट होगा, ट्रिप सी होगा, ट्रिप डी होगा, ट्रिप ई होगा एंड ट्रिप एल तो ही हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन वाला नहीं दिखाया है, सिर्फ अपन देख रहे हैं कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है तो जीन को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। सो एज वी नो डैट कि सबसे पहले अगर हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, ट्रिप एल मतलब 1, 2, 3, 4 रीजन है, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्शन करने वाला हूँ। मेरे को देखना है कि ट्रिप जो एल है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ऐसे कोई एंजाइम फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम ए बी सी डी ई का पढ़ते हैं, यहाँ से हम एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, बट ई है ट्रिप एल से हम फॉर्मेशन नहीं कर रहे कुछ। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम पर हमें पता है, जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था इन प्रोकैरियोट तो आपको वही याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, तो मुझे पता है प्रमोटर है, ऑपरेटर है, वापस से मैं बना रहा हूँ ये वन, जिसमें ऐसा ऐसे भी बना सकते हैं टू, रीजन थ्री, रीजन फोर, ठीक है, एंड ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए, डन है, ए बी सी डी ई। हमें पता है सबसे पहले यहाँ पे किसने बाइंडिंग करी होगी, यहाँ पे बाइंडिंग करी होगी आरएनए पॉलीमरेज ने। सो आरएनए पॉलीमरेज आया होगा, इसने प्रमोटर रीजन पे बाइंडिंग किया होगा, बाइंड करने के बाद एज वी नोटेड कि प्रमोटर से देन ये ऑपरेटर पर आएगा, ऑपरेटर से देन ये ट्रिप एल के ट्रिप एल को रीड करेगा, देन ई डी सी बी ए ऐसा आगे मूव करेगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा, हमें पता है एमआरएनए बनाने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इसने बाइंड किया होगा और यहाँ पे मेल्टिंग करी होगी, ठीक है, इसने क्या करी होगी, मेल्टिंग करी होगी प्रमोटर रीजन पे लाइक एस ये लो, ठीक है, ये आपका मान के चलो प्रमोटर है एंड देन यहाँ पे हम क्या बाइंड करा रहे हैं, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज मान लो, ठीक है, ये क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है एग्जिट चैनल। एग्जिट चैनल क्या होता है, एग्जिट चैनल का मतलब है यहाँ से आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, एज वी नोटेड इन प्रोकैरियोट, क्योंकि ये हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, ऑपरेंट प्रोकैरियोट के अंदर है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रमोटर यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं होता है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे ट्रांसक्रिप्शन के तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टार्टिंग से लेक्चर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्टेड होता है थोड़ा टॉपिक, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है ऑपरेंट, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन थोड़ा समझ में बहुत कम आता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये कहाँ पर है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रमोटर है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर है, रीजन वन टू थ्री फोर एंड डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ई डी सी बी एंड ए। ट्रिप तो आपको पता है ना, ट्रिप्टोफैन के जीन है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ई डी सी बी है। अब देखो नेक्स्ट हमें पता है कि ये क्या होगा, ये थोड़ा आगे मूव करेगा, ये देखो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, आगे मूव करना मतलब है ऑपरेटर रीजन पर आएगा, लाइक यहाँ पे अगर प्रमोटर है अब ऑपरेटर रीजन पर आया एंड ऑपरेटर रीजन पर जाके ये देखो ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ऑपरेटर रीजन है एंड देन ये मैं बना रहा हूँ वन टू थ्री फोर ट्रिप ई डी सी बी एंड ए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज है अभी ऑपरेटर रीजन पे। अब देखो हमें पता है कि प्रमोटर ऑपरेटर दे आर सिस एक्टिंग एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे, एक होता है सिस एक्टिंग एलिमेंट, एक होता है ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट, सिस एक्टिंग एलिमेंट इज नॉट ट्रांसक्राइब, मतलब कि आरएनए में नहीं आ रहे,
ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट दैट मीन ट्रांस है, मतलब ट्रांसक्राइब हो रहे हैं एंड देन वो क्या हो रहे हैं एमआरएनए में आ रहे हैं। लाइक अगर अपन देखें इन प्रोकैरियोट, अगर हम देख रहे थे या मैं यूकैरियोट देखूं, तो मैंने आपको बताया था प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब, सो दे आर सिस एक्टिंग एलिमेंट, बट कोडिंग रीजन, कोडिंग एंड टर्मिनेशन आर ट्रांसक्राइब, ये ट्रांसक्राइब होते हैं, ये एमआरएनए में आते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आती है, बहुत काम की होती है। देखो आरएनए पॉलीमरेज था, कहाँ आ गया, ऑपरेटर रीजन पे आ गया। अभी कोई चीज़ इसने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, अब देखो ये रीजन वन पे जाएगा। अब कहाँ जाएगा हमें पता है, रीजन वन पे जाना है इसको। तो यहाँ पे देखो ये प्रमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, एंड देन अब मैं यहाँ से मेल्टिंग कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया मैंने, एंड देन ये रीजन वन पर है। लाइक अगर अपन देखें रीजन वन के ऊपर, रीजन वन की सीक्वेंस है, लाइक यहाँ पे यू 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 या ए ए ए, यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, वन एंड देन यहाँ पर टू, यहाँ पर देखो थ्री, यहाँ पर फोर, एंड देन यहाँ पे हमें बताए ई डी सी बी एंड ए, ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज रीजन वन के ऊपर है, ये देखो रीजन वन के ऊपर है। अगर रीजन वन के ऊपर है तो यहाँ से आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकालेगा, डेफिनेटली ये रीजन वन पर है तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकालेगा, एमआरएनए बाहर निकालेगा, ठीक है। अब इसने एमआरएनए बाहर निकाला, रीजन वन को बाहर निकाल रहे हैं। हमें पता है इन प्रोकैरियोट, हमें पता है प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन होता है, मतलब मैं बोल देता हूँ इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन, मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कपल है, ट्रांसक्रिप्शन कपलिंग रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन कपल विद ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देखो, अब यहाँ पे आपका एमआरएनए बाहर निकला है, तो एमआरएनए बाहर निकला है तो कपलिंग ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, हमें पता है कि ट्रांसलेशन मतलब हमें आरएनए से प्रोटीन भी बनानी है, डेफिनेटली आरएनए से क्या बनानी है, प्रोटीन भी बनानी है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे कि आपका जो राइबोसोम है ना, आपका जो राइबोसोम है ना वो भी आके यहाँ पर बाइंड कर रहा है, ये लार्ज एंड स्मॉल सबनेट आके बाइंड कर गई, क्या है राइबोसोम, राइबोसोम बाइंड करेगा, ठीक है, राइबोसोम ने बाइंड कर दिया, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज भी मूव करेगा, एंड जैसे जैसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा वैसे वैसे राइबोसोम बाहर निकलेगा, एंड राइबोसोम एक तरह से क्या करेगा, राइबोसोम यहाँ से हमारा प्रोटीन को बाहर निकालेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये देखो अब ये रीजन वन से, रीजन वन से अब रीजन टू पर जाएगा, रीजन वन से रीजन टू पे जाएंगे, तो रीजन वन लाइक यहाँ पे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रीजन वन है एंड ये रीजन टू है, रीजन थ्री, रीजन फोर, रीजन वन टू थ्री फोर क्या है, ट्रिप एल के सीक्वेंस है, ये एटी न्यूट्रल सीक्वेंस है यहाँ पे एक, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ई डी सी बी एंड देन ए, ये है। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बना दिया यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को, एंड आरएनए पॉलीमरेज बना दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमने निकाला है आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर क्या है, रीजन वन है, ये क्या है, रीजन टू है, रीजन वन की सीक्वेंस यहाँ पर है, रीजन टू की सीक्वेंस यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्या देख रहे हैं, राइबोसोम ने बाइंड कर रखा है, राइबोसोम ये देखो, राइबोसोम में मैंने इसका एग्जिट चैनल बना दिया, ये लाइक ये एग्जिट चैनल हो गया और ये स्मॉल सबनेट हो गई, लार्ज एंड स्मॉल सबनेट होती है, हमें पता है कि राइबोसोम के अंदर क्या है, लाइक हमें पता है कि राइबोसोम स्मॉल सबनेट हो गई, एंड देन लार्ज सबनेट के अंदर यहाँ पर भी एक एग्जिट चैनल होता है जिससे हमारा पैप्टाइड बाहर निकले, ठीक है। यहाँ पे
टीआरएनए के बाइंडिंग साइट होती है, आपको पता ही यहाँ पे टीआरएनए की बाइंडिंग साइट होगी, क्योंकि टीआरएनए क्या करता है, चार्ज अमाइनो एसिड को लेकर आएगा एंड देन वो क्या करता है, उससे हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। लाइक हमें पता है एक्सेप्टर साइट होती है, ए साइट होती है, पेप्टाइडल साइट होती है पी साइट, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक होती है ई साइट एग्जिट साइट, जिससे टीआरएनए आपका जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी राइबोसोम है। अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोट की बात चल रही है तो 70S टाइप के राइबोसोम होंगे, ठीक है, 50S लार्जर सब यूनिट एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो राइबोसोम को इन डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो आपको सारे टॉपिक ईजी लगेंगे मॉलिकल बायोलॉजी में। क्लियर है, राइबोसोम ने बाइंडिंग कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रीजन टू पर बाइंड करा है, रीजन वन से जैसे आपका एमआरएनए क्या हुआ बाहर निकला, रीजन टू बाहर निकला, तो रीजन वन से वो मूव कर गया एंड मूव करके ये रीजन टू पर आ गया। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये रीजन वन से टू पे गया तो टू से थ्री पे भी जाएगा, कौन आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा रीजन, लाइक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रीजन क्या हो गया, प्रमोटर ऑपरेटर रीजन वन रीजन टू एंड रीजन थ्री ये आ गया एंड देन ये देखो ये आगे अपना ये रीजन थ्री है, ये रीजन फोर है एंड देन ई डी सी बी एंड देन ए एंड देन यहाँ पर हमारी बाइंडिंग करा देते हैं हम वापस से किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, ये आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है रीजन थर्ड भी बाहर निकलेगा। अब रीजन थर्ड बाहर निकलेगा तो देखो वन एंड टू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग थी, अगर मैं ऊपर दिखाऊं वापस से वन एंड टू आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग थी, ठीक है, एंड थ्री एंड फोर है, टू एंड थ्री भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं, कौन से कंडीशन में करेंगे ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी हमें देखना है कि अब थ्री रीजन पर है तो वन एंड टू आपस में पेयरिंग करेंगे, तो मैंने क्या करा ये देखो इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये बाहर निकाला तो यहाँ पर ये रीजन थर्ड है एंड देन ये रीजन टू मानो एंड रीजन टू है एंड देन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो रीजन वन है, आपस में इन्होंने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली, ठीक है। रीजन थर्ड के ऊपर एज वी नो डैट कि यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, यहाँ पर हमारा राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा, ये कौन है राइबोसोम ने आके बाइंड कर दिया, क्योंकि ये क्या करके जा रहा है, अब जैसे कि यहाँ पे वन था तो ये वन रीजन पर है तो ये इसके लिए भी एक तरह से प्रोटीन निकालेगा कि यहाँ से भी एक तरह से पेप्टाइड बाहर निकाले जा रहा है, ये देखो पेप्टाइड बाहर निकाल रहा है, ये एग्जिट चैनल से क्या कर रहा है, ये पेप्टाइड भी बाहर निकाला जा रहा है, पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन बाहर निकाल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया थर्ड रीजन तक आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं कौन से रीजन पे, हम फोर्थ रीजन पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है यहाँ पे एटीन्यूएशन कंडीशन देखनी है, एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या है, एक्सेस अमाउंट के अंदर ट्रिप्टोफैन है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर कि रीजन वन के ऊपर, रीजन वन क्या है, रीजन वन के ऊपर यहाँ पे आपका टेंथ एंड कौन से पोजीशन पे, इलेवन पोजीशन में, यहाँ पे देखो मैंने कहा था आपको टेंथ एंड इलेवन पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, कोडन कौन सा है, ट्रिप्टोफैन का है, तो रीजन वन तो क्रॉस हो गया, मतलब कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में ट्रिप्टोफैन है, तभी तो ये चार्ज टीआरएनए लेकर आया होगा एंड आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला टेंथ एंड इलेवन पे ट्रिप्टोफैन है, तो ट्रिप एल 161 न्यूक्लियोटाइड की है, इसको ही रीड करें अभी, रीजन वन इज 14 अमाइनो एसिड, रीजन वन को हमने क्रॉस कर लिया है, मतलब कि अगर ट्रिप्टोफैन कोडन है, ट्रिप्टोफैन कोडन मांग रहा है ये, दैट मीन हमें पता है ट्रिप्टोफैन कोडोन क्यों मांग रहा है, ट्रिप्टोफैन कोडोन अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर ट्रिप्टोफैन है, मैंने ले ही लिया कंडीशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर मीडियम के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है तो हमें पता है राइबोसोम कैन इजिली मूव, क्योंकि चार्ज टीआरएनए आता रहेगा, क्योंकि हमारे को पता है कि इस राइबोसोम यहाँ पे रीजन वन है, कहाँ पर है ये देखो ये रहा, ये रीजन वन अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो इसको रीजन वन को क्या चाहिए, यहाँ पे टीआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, लाइक ये देखो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, ये लो, तो मेरे को ट्रिप्टोफैन चाहिए, ये आपका ये जो चार्ज टीआरएनए है, ये एक तरह से क्या है, चार्ज टीआरएनए, तो चार्ज टीआरएनए किसके लिए है, ट्रिप्टोफैन के लिए, ट्रिप्टोफैन को लेके आ रहा है, ट्रिप्टोफैन कोडोन को लेके आ रहा है, तो कहाँ लेकर आएगा ये अगर अपन देखें तो एक्सेप्टर साइट पे लेकर आएगा, एक्सेप्टर साइट पे लाके ये क्या करके जाएगा, जो पेप्टाइडल साइट पे जो हमारा ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ हमारा कौन है, हमारा टीआरएनए है, उसके पास में जो अमाइनो एसिड है उसके साथ में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं ये वाला पूरा का पूरा,
अब देखो तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चार्ज टीआरएनए क्यों आ पा रहा है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो ये एकदम इजीली मूव कर गया, आगे मूव कर गया, कौन, राइबोसोम, राइबोसोम कैन इजीली मूव। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब क्या था एक्सेस का अमाउंट के अंदर यहाँ पे क्या था, टीआरएनए था, जैसे ये रीजन फोर पे आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे ये किस पे आ रहा है, रीजन फोर पे आ रहा है, तो देखो ट्रिप्टोफैन के हायर कंसंट्रेशन में क्या देखने को मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो अब देखो अभी हम कहाँ कहाँ आ गए, रीजन फोर्थ पे आ गए। तो ये आपका क्या है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, वन रीजन, टू रीजन, थर्ड रीजन एंड देन ये देखो, इसको मैंने आगे, ये मैं आ गया हूँ फोर्थ रीजन पे, एंड देन यहाँ पर क्या है, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए के लिए जीन प्रेजेंट है, एंड देन मैंने यहाँ पर बना दिया क्या, आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बनाने के बाद, अगर आप देखो आप आरएनए पॉलीमरेज बनाने के बाद मैं क्या देख रहा था यहाँ पे, हमें पता है, ये देखो मेरे को पता है कि यहाँ से रीजन फोर बाहर निकलेगा, रीजन फोर बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोसोम मूव करता, राइबोसोम भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी जगह से, तो राइबोसोम जब मूव कर रहा था उस कंडीशन में क्या हुआ था, यहाँ पर जो रीजन थर्ड है एंड रीजन फोर्थ है, ये आपस में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेते हैं, कहाँ पर, कहाँ पर, इन्होंने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है, रीजन थर्ड ने एंड रीजन फोर्थ ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली, कहाँ पर, एग्जिट चैनल के अंदर, एग्जिट चैनल के अंदर इन्होंने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है, एंड रीजन वन एंड टू तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके बैठे ही थे, ये वन एंड टू है, वन एंड टू तो पेयरिंग करके बैठे थे, पर थ्री एंड फोर ने कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करी है, एग्जिट चैनल के अंदर इन्होंने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है। ये एक तरह से क्या है, अगर अपन देखे तो ये क्या है, अगर एक तरह से देखे तो अपन ये क्या है, ये है एटी न्यूटन, ये क्या है, 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन का मतलब क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है, 18 न्यूटन होने की वजह से इन्होंने क्या करा है, आपस में थ्री एंड फोर रीजन ने, थ्री एंड फोर रीजन ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली एग्जिट चैनल के अंदर, जिसके वजह से 18 न्यूटन होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिट चैनल क्या हो गया है, एग्जिट चैनल क्या हो गया है, ब्लॉक्ड हो गया है, एग्जिट चैनल ब्लॉक, दैट मीन यहाँ पर क्या हुआ, क्या यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रहेगा या आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाएगा। याद करो जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर बनाया था टर्मिनेशन का, तो टर्मिनेशन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ठीक है, वहां पे हमने दो पाथवे पढ़े थे, रो डिपेंडेंट पाथवे, रो इनडिपेंडेंट पाथवे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर लैक ऑपरॉन पढ़ने जा रहे हो एंड ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन पढ़ने जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, डायरेक्ट ऑपरॉन पढ़ रहे हो और ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा है तो ऑपरॉन समझ में नहीं आने वाला है, तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसक्रिप्शन, हमारे बेसिक्स है, ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आना चाहिए, देन लैक ऑपरॉन पे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर हम रैंडमली पढ़े ना, कि हाँ रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ लेंगे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं आती है, तभी तो बच्चों के वीक रह जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, यार आप एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग से करा है, देन ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, देन आप लैक ऑपरन पढ़ रहे हो, क्योंकि लैक ऑपरन डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते विदाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आप अगर लैक ऑपरन पढ़ रहे हो या ट्रिप्टोफैन ऑपरन पढ़ रहे हो, तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक रहेंगे, आप उसको रट सकते हो या उसको आप एक टाइम के लिए याद तो कर सकते हो, पर लाइफ टाइम के लिए याद करना इम्पॉसिबल है। सो एज वी नोटेड, जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि टर्मिनेशन जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है, लाइक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड रो इनडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन पाथवे में मैंने कहा था कि रो मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे, कोई रो प्रोटीन आएगी एंड वो टर्मिनेशन करा के जाएगी, एंड रो इनडिपेंडेंट पाथवे में मैंने कहा था आपको कि रो इनडिपेंडेंट, तो इनडिपेंडेंट के अंदर क्या है, हमने देखा था कि इंट्रिंसिक पाथवे था, इंटरनली पेयरिंग हो रही थी वहां पे, इंटरनली पेयरिंग का मतलब क्या है, अगर अपन देखें वहां पे
तो वहां पे आप देख रहे थे कि एग्जिट चैनल ब्लॉक हो रहा था, एंट्रेंस से पाथवे में आता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने की वजह से वहां पे इंटरनली इंटरनली एक तरह से क्या होता है, एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर रही थी। वो एग्जिट चैनल के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी आपस में पेयरिंग कर रही थी, और पेयरिंग करने की वजह से वहां पे क्या हो रहा था, टर्मिनेशन हो रहा था। सेम कंडीशन देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो गई है। यहाँ पर भी देखो एग्जिट चैनल ब्लॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो गई है यहाँ पर। कहाँ पर? एग्जिट चैनल के अंदर, एग्जिट चैनल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। तो ये एक तरह से क्या, कौन सा मेथड हो गया, लाइक आपका रो इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर यहाँ पर टर्मिनेशन हो गया। यस, तो आरएनए पॉलीमरेज का जैसे ही एग्जिट चैनल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल जाएगा कि टर्मिनेशन हो गया है, रो इंडिपेंडेंट टाइप का यहाँ पर टर्मिनेशन हो गया है। तो आरएनए पॉलीमरेज जितना भी आपने आरएनए बनाया है ना, उसको टर्मिनेट करेगा, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज गेट डिसोशिएट। क्लियर है यहाँ पे? तो एक्सेस अमाउंट के अंदर, अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज कैन इजिली मूव। आरएनए पॉलीमरेज तो मूव कर रहा है, राइबोसोम आल्सो कैन इजिली मूव। कहाँ पे? आपके एमआरएनए के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे क्या बना रहे हैं हम, ये क्या बन रहा है, ये हमारा है एमआरएनए, एमआरएनए जिसके ऊपर राइबोसोम मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कपल विद ट्रांसलेशन है। हमारे अंदर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अलग क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हमारे अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट में चल रहा होता है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट। लाइक अगर हम देखें, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, बट ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, तो एमआरएनए को, अगर हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए बना था वो क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपिंग एंड टैलिंग होती है। एंड देन आफ्टर देन वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। बट प्रोकैरियोट के अंदर क्या है, एक कंपार्टमेंट के अंदर सब कुछ चीज हो रही है। लाइक हमें पता है कि वहां पे न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे जो भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म ही होगा। तो राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में है, आरएनए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्म में, सब कुछ साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। तो जैसे ही आरएनए बाहर निकला, तो राइबोसोम देख ही नहीं रहा कि भाई मेरे को बाइंड करना है नहीं करना है, या पूरा एमआरएनए बाहर बाहर निकल गया या नहीं निकला, उसको जहां पे भी अपनी बाइंडिंग दिखी उसको क्या दिखा, उसने देखा यहाँ पर आरबीएस, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, क्योंकि एमआरएनए के पास में क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट AGG प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही उसने ये सीक्वेंस देखी, राइबोसोम ने बाइंड कर लिया। राइबोसोम जैसे ही बाइंड करेगा, जैसे ही राइबोसोम ने बाइंडिंग करी, वैसे ही क्या हुआ, अब आरएनए पॉलीमरेज भी मूव कर रहा है, राइबोसोम भी मूव कर रहा है। बट राइबोसोम मूव कर रहा था उस समय उसने क्या करा, वहां पे क्या गलती हो गई, रीजन 3 एंड 4 की आपस में, जैसे ही 4 रीजन बाहर निकल रहा है, 4 एंड 3 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेते हैं, कहां पे, एग्जिट चैनल के अंदर, जिसके वजह से यहां पे रो इंडिपेंडेंट मैनर वाला एक तरह से टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन वाला सिग्नल चला जाता है। मतलब ये हो नहीं रहा है, बट वहां पे सिग्नल चला गया है आरएनए पॉलीमरेज के पास में कि एग्जिट चैनल ब्लॉक है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग इन एग्जिट चैनल। सो उसको लगता है कि आरएनए क्या हुआ, आरएनए का टर्मिनेशन कर देना है मुझे, एमआरएनए का टर्मिनेट कर देना है, मतलब रो इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर टर्मिनेशन करना है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि एटीन्यूएटर की वजह से एग्जिट चैनल ब्लॉक हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, एटीन्यूएशन हो गया। क्या हो गया है? एटीन्यूएशन हो गया। एटीन्यूएशन, व्हाट इज एटीन्यूएशन? अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर ट्रिप्टोफैन है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको अगेन एंड अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन मींस एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर ट्रिप्टोफैन है, दैट मीन वहां पे हम क्या देख रहे हैं, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया है। प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, आरएनए क्या पूरा का पूरा बना है? नहीं, यहाँ पे तो ट्रिप एल भी देखो यहाँ पे बस इतना सा ही एमआरएनए बना है। तभी तो हम बोलते हैं कि क्यों यहाँ पर ट्रिप एल अपनी प्रोटीन नहीं बना रहा है, क्योंकि ट्रिप एल अपनी प्रोटीन इसलिए नहीं बना पा रहा है, या यहाँ पे कोई प्रोटीन क्यों नहीं कोड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्री मेच्योर है। अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर ट्रिप्टोफैन है, एक्सेस अमाउंट में अगर ट्रिप्टोफैन देखने को मिला, तो वहां पे क्या हुआ, प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन होगा तो क्या बनाएगा, तो उसके लिए हम देखेंगे ना अगले लेक्चर के अंदर कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन होता है तो क्या करेगा ट्रिप एल, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो हमें पता है कि यहाँ पर देखो ट्रिप एल का भी एमआरएनए नहीं बना है, EDCBA नहीं बनेगा। अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब कि एमआरएनए भी नहीं बना है। देखो यहाँ पे क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर एटीन्यूएशन हो जाता है। व्हाट इज एटीन्यूएशन? एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या कॉज करके जाएगा, ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन करके जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एटीन्यूएशन। ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो मैं वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आरएनए है, जो एमआरएनए है, ये क्या हुआ, टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। तो वापस हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है,
ठीक है, हमने देखा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, तो मैंने यहाँ पे जीन के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। अब हम इसको ओपन करके पढ़े लाइक प्रमोटर ऑपरेटर, लाइक अगर हम देखें ये देखो, तो हमने आज टॉपिक पढ़ा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, तो यहाँ पे हमने देखा ट्रिप एल के लिए जीन है, ट्रिप ई डी सी बी ए के लिए जीन है यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि प्रमोटर पे कौन बाइंड करा, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंडिंग किया। आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के पास जो एग्जिट चैनल है वहां से कौन बाहर निकलता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेगा, मेल्टिंग होगी, देन यहाँ पे ये कहाँ मूव करा, ऑपरेटर रीजन पे मूव करा, देन यहाँ से ये रीजन वन पे मूव करा, इसने क्या करा रीजन वन का जो ट्रांसक्रिप्ट है बाहर निकाला, जैसे बाहर निकालेगा राइबोसोम बाइंडिंग करेगा यहाँ पे। ठीक है, इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आती ही आती है, इससे बाहर आप क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सब इसमें से ही आएगा। ठीक है, पूरा सीएसआर का पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा कि रीजन वन के पास क्या, रीजन वन क्या है, 14 अमीनो एसिड का है, जिसमें से 10 11 जो कोडोन होगा वो कौन सा टीआरएनए लेकर आएंगे, वो वहां पर है वो ट्रिप्टोफेन को कोड करने वाली इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर टीआरएनए कौन सा आएगा, ट्रिप्टोफेन के लिए, तो हमारे पास कंसंट्रेशन में है, हायर कंसंट्रेशन में ट्रिप्टोफेन है, तो 4 टीआरएनए आ गया, तो राइबोसोम कैन इजिली मूव, तो इसने मूव करा। अब रीजन टू पर आया, टू पर देखो यहाँ पर रीजन वन फ्री हो गया, रीजन टू पे कौन आ गया, राइबोसोम बाइंड कर गया। देन रीजन थ्री पर आया, तो रीजन वन एंड टू ने आपस में क्या करिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करिए, थ्री पर राइबोसोम है। देन आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, जैसे मूव करेगा रीजन फोर पर आया, तो रीजन थर्ड एंड फोर्थ ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है, कहां पर, एग्जिट चैनल के अंदर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या, एक तरह से यहाँ पे क्या है, एटीन्यूएटर है, एटीन्यूएटर मतलब क्या करके जा रहा है, एग्जिट चैनल को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने से क्या होगा, एटीन्यूएशन। व्हाट इज एटीन्यूएशन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ओके, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एमआरएनए की अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाती है एग्जिट चैनल के अंदर, तो वो क्या कोर्स करके जाएगा, वो एटीन्यूएशन कोर्स करके जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक ये था कि व्हाट इज एटीन्यूएशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन के अंदर क्या होता है, एटीन्यूएशन होता है, मतलब प्री मेच्योर टर्मिनेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो प्रॉपर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम, जैसे मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ लास्ट में, कोई से भी एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आप जाके कोई भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट है आप, अगर प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स रीड करता हूँ, मतलब सारे कमेंट्स आपके रीड करता हूँ, तो मैं आपका आंसर वहाँ पे दे दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी ही आपकी ये मोल बायो में पूरी कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।